अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? शहर इक्तदार में बड़ी हलचल, आसिफ ज़रदारी और बिलावल की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शुरका की बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी को आइनी ओहदे लेने की तजवीज़। 3 साल और 2 साल तकसीम इक्तदार के फार्मूले पर शुरका की मुतजाद राय। ये फार्मूला नहीं चल सकता, अमल दरामद नहीं हो सकेगा। विफाक में नून लीग को वोट जरूर दें लेकिन अपोजिशन बेंचों पर बैठे। शुरका की तजवीज़, अरकान की बलोचिस्तान और पंजाब में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की भी तजवीज़। CEC का आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की क्यादत पर एतमाद का इजहार। इंतखाबात में अवामी रद्द अमल, मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू, मुल्की सियासी मुआशी और हुकूमती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। CEC की मीटिंग आज फिर होगी, मुशावरती अमल के बाद हतमी फैसले किए जाएंगे। फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस रबते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29th को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये इंगेजमेंट रखेंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो जो ज़्यादतियाँ थी, इरेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तश्वीश का इजहार किया गया। CEC इजलास में हतमी फैसला नहीं हुआ, सियासी राबते जारी रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। श्री रहमान की CEC इजलास के बाद मीडिया टॉक। इजलास में तमाम सूबों से अरकान शरीक हुए और तहफ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन में बहुत धांधली और बेकायदगियाँ हुई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने इलेक्शन में ज्यादती का जिक्र किया, जो कुछ इलेक्शन में हुआ हम उसका जायज़ा लेंगे। शाजिया मरी की गुफ्तगू, इलेक्शन से मुतालिक 4 सूबों में तहफ़ुज़ात हैं। ताज हैदर की सरबराही में टीम काम कर रही है, हमने बहुत सी तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। फैसल करीम कुंडी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू।